You
एक्साइटमेंट लेवल तो अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है जहाँ तक मेरा है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान की हुई है अपने फ्यूचर के लिए इस प्रोडक्शन को लेके। ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने अपने प्रोडक्शन को लॉन्च किया और मेरा नया गाना उसके अंडर छोटे बस्कर को लॉन्च किया है। बहुत ईजी चीज़ थी हम लोग के लिए, एक छोटा हम लोग की टीम है, मैं उस टीम को टीम 21 कहता हूँ। हम सब लोग 21 ईयर्स ओल्ड के हैं और हम लोग ने बस एक दिन सोचा कि कुछ नया करते हैं और नए में मुझे छोटे बस्कर मिल गया। छोटे बस्कर बहुत क्लोज हैं मुझसे क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यह ईजी भी था, नहीं भी था, बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें सीखनी हैं और कई नई चीज़ें और लेके आनी है, क्योंकि HSS प्रोडक्शन का हमेशा एक चीज़ है कि वो न्यू जनरेशन कंटेंट लाती है। और मेरी तरफ से ऑलवेज पूरी जनता को HSS प्रोडक्शन की तरफ से यही रहेगा कि वो न्यू कंटेंट लाती रहेगी। सर, मैंने आई थिंक 2015 में एक मास्टर हैं हमारे बॉलीवुड के, मैं उनका नाम लेता नहीं हूँ, बट संजय लीला बंसाली जी सर, उनकी मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी। आई थिंक मैं हूँगा उस वक्त कुछ 15-16 साल का। मैंने मूवी देखी, मैं थिएटर से बाहर निकला और मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया कि मैं कुछ बनूँगा लाइफ में तो डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर ही बनूँगा। वो मूवी ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया और आई थिंक 7 साल के बाद आज मैं यहाँ पर HSS प्रोडक्शन के साथ रेडी खड़ा हूँ। HSS का प्रोडक्शन का मतलब मेरा नाम ही है, हरमन राय सिंह सहगल, उसी नाम पर मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन खोला है। स्ट्रगल नहीं कहूँगा, लर्निंग था, ग्रोइंग था, तभी बच्चा था, अब थोड़ी अक्ल आई है। तो जब अक्ल आई तो समझ आया एक्चुअली है क्या। पहले सिर्फ स्क्रीन में देखता था, अब स्क्रीन के पीछे रह के क्या लगता है वो मैंने देखा। इजी नहीं बोलूँगा बट मेरे लिए बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी ड्रीम में खुद हूँ। और HSS प्रोडक्शन का एक टैगलाइन है कि वेयर ड्रीम कम्स इनटू रियलिटी।
मतलब आपकी जो ड्रीम है वो रियलिटी में बाहर आ जाती है। आपने बताया कि आपकी टीम है 21, टीम 21 ऐसे है कि मेरा बहुत क्लोज ग्रुप फ्रेंड है जहाँ पे मिस्टर कबीर विजयन हमारे आर्टिस्ट हैं, श्लोक नायक के मेरी डीओपी हैं, मेरे खुद पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट डीओपी ऋषभ भारद्वाज हैं, उन लोग ने हम लोग ने आई थिंक 3 दिन में ये टीम क्रिएट की एंड 4th day वी वर ऑन द लोकेशन शूटिंग। दिल में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि क्या होगा, बट आज जब मैं खड़े होकर उस वीडियो को देखता हूँ तब आई थिंक आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू, इट वाज राइट। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय टीम 21, उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। चैलेंजिंग के साथ साथ लर्निंग भी बहुत था मेरे लिए। चैलेंजिंग ये था कि सबसे बड़ी चैलेंज थी लोकेशन, और शूट 2nd day ऑफ शूट मेरे हाथ से लोकेशन ही चली गई थी। तो मॉर्निंग रात को 3 बजे हम लोग ने कॉल पे डिसाइड किया कि हम लोग आउटडोर लोकेशन करेंगे, सो वी ट्रैवल्ड टू लोनावाला फॉर आर शूट, और हम लोग ने वो शूट जो हमने प्लान की थी उससे 100 गुना बेटर हम लोग लोनावाला करके आए हैं। और आई थिंक वो वीडियो में दिखा है कि हमने टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ रैप इस इंडस्ट्री में लेके आए हैं। जी ईशा जी नहीं जी बोलूँगा, वो मेरे हार्ट मेरे दिल से बहुत करीब हैं, मोर देन अ फैमिली फ्रेंड शी इज़ अ मेंटोर फॉर मी, उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है, शी हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट मेंटोर फॉर मी। और अनवीलिंग की बात करें तो मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे इस प्रोडक्शन के लिए भी और इस गाने के लिए भी, सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू ईशा मैम टू बी देयर एंड स्पेंड सम टाइम फॉर HSS प्रोडक्शन। वेल मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट कुछ तो चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ नया आपके लिए प्रेजेंट करूँगा, बहुत अच्छा प्रेजेंट करूँगा। एक प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग है जिसके बारे में इस वक्त बात नहीं करूँगा, बट जब होगा तब ज़रूर बात करूँगा। जी ऐसे मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है कि आपको करना है तो अपनी दिल की सुनो वरना मत करो। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, कर पड़ो। नहीं हुआ नहीं हुआ बात देखा जाएगा, फर्स्ट ट्राई कर लिया आपने तो आई थिंक आपको कोई रोक नहीं सकता। एक ट्राई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोलते हैं कि ये बोलता है मत करो, वो बंदा बोलता है मत करो, वो नहीं मायने रखता है। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, आई थिंक यू आर द ओनली वन यू आर सेल्फ हु कैन डू दिस। दर्शकों को इतना बोलूँगा कि होप्स हाई इतना भी मत रखना मुझसे, बट येस मैं आप लोग को एंटरटेन करता रहूँगा। इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, बट आई थिंक ये बस एक छोटी सी शुरुआत है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के बाद अपने आप को छोटा बसकर नहीं बोलूँगा। इस प्रोजेक्ट को के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ, कई गाने हैं कई चीज़ें हैं, और जब जब आएगा तब तक हम मिलते रहेंगे। तो फिलहाल अभी आप कल से मेरा गाना YouTube, सावन, iTunes, Instagram, जहाँ जहाँ Spotify सब जगह इंजॉय कर सकते हैं। एंड बाकी कैसे लगा प्लीज़ बताना, एंड यू कैन रीच आउट टू माई HSS प्रोडक्शन पेज ऑन Instagram। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आर्यन सॉरी हरमन को मैं आर्यन के नाम से जानती हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्सट्रीमली एक्सटैटिक कि ये आर्यन के मैं आर्यन ही बुलाऊँगी तो चलेगा। यस 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 को बहुत सालों से जानती हूँ, और उसके ये दिस वाज इन हिज एट द बैक ऑफ हिज माइंड, वो हमेशा चाहता था कि ही वांटेड अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ हिज ओन एंड फाइनली इट्स हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच। एंड उसकी प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ ही हैज़ लॉन्च्ड अ फैंटास्टिक सॉन्ग व्हिच इज़ काइंड ऑफ फुट टैपिंग एंड हैज़ अ लॉट ऑफ रिकॉल, रैप है छोटे बस्कर। आर्यन कैसा है उसका? इट्स लाइक 1, 2, 3, 4, इट्स गॉट अ ग्रेट हुक स्टेप ऑल्सो, एंड बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा गाना, एंड आई रियली कंग्रेचुलेट हरमन। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ विश बेस्ट विशेस, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है।
Yes. Of course, influence, जैसे मैंने पहले बोला, she has been a constant mentor. I think जो step मैं लेता हूँ first, हमारी बॉलीवुड दीवा से ही पूछता हूँ. आर्यन मुझे दीदी बुलाता है, दीदी बुला सकता है बेटा. हाँ, तो I call her दीदी. So I think she has more experience, she has worked. And कुछ पहला step लेने से I always ask her. So she, yes, influence हमेशा मे पे रहा है ईशा दीदी. Actually, आर्यन को मैं बचपन से जानती हूँ. He मेरे shoots बोलिए आप, या आप किसी भी मेरे इवेंट्स को लेके बोलिए, आर्यन वॉज ऑलवेज देयर विथ मी. सो पहले से ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री का शौक़ था, और वो खुद ही बहुत क्रिएटिव है. सो ही इज़ वेरी गुड विथ इवेंट्स, ही इज़ वेरी गुड विथ प्लानिंग, ही इज़ वेरी गुड विथ मैनेजमेंट, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ जस्ट अ गुड किड. सो आई थिंक ही हैज़ फाउंड हिज कॉलिंग. Yes. Finally. Yeah. After a wait of I think 7 years. हाँ, और now he is really working hard, and I'm sure, I mean, sky is the limit. और मैं जानती हूँ मेरा अच्छा बच्चा है, ये बहुत तरक्की करेगा. And that's it. Yes. Thank you. Thank you. जैसे अपना कोई जिगरा है, अपने दिल का टुकड़ा है, अपना बच्चा, जब कोई कुछ करता है तो कैसे लगता है? बस बिल्कुल वैसे ही लगा. तो और क्योंकि मैं आर्यन को, हरमन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं उसके पैशंस को भी समझती हूँ, उसको क्या करना है लाइफ में वो भी समझती हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ. एंड ही ऑलवेज हैज़ माई सपोर्ट एंड माई ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. हमने लॉकडाउन के टाइम एक फिल्म स्टार्ट की थी, साउथ की फिल्म, और जैसे आप सब लोगों को पता है आजकल साउथ इज़ रियली रॉकिंग. वेल, बहुत ओवरड्यू था ये, वेल डिजर्व्ड, क्योंकि मैंने मेरे साउथ का करियर तो, मतलब मैंने शुरुआत ही साउथ से की थी. मैंने कुछ मैंने फिल्मफेयर अवार्ड्स भी, स्क्रीन अवार्ड, सब स्टारडस्ट अवार्ड, ये अवार्ड सब वहीं से, मतलब मैं साउथ में ही मिले थे. बट नाउ द वे इट्स रिकग्नाइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि एट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस तरीके से वो साउथ की फिल्में रिकग्नाइज हो रही हैं, इस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑस्कर्स में भी चले गए, फैंटास्टिक. तो साउथ में अभी ऐसा है कि मेरी एक फिल्म आ रही है, एलियन. एलियन अभी इट्स अ मल्टीलिंगुअल, 5 लैंग्वेजेस में है, तेलुगू, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा. सो उसमें शिव कार्तिकेयन, राकुल प्रीत, मैं और शरद केलकर हैं, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय रवि कुमार सर. तो ये हमने 2020 के लॉकडाउन में शुरुआत की थी शूटिंग करने की, और बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमको बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. तो हमने बहुत फेजेस में शूट किया, एंड फाइनली द पीपल हु आर डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ एवटार, वो ही इसका पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस ईयर एंड या अर्ली नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये. इसके साथ साथ एक दो वेब शोज़ हैं जिसके नरेशंस चल रहे हैं. मैं बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ लाइफ में, ऐसे मतलब काम करने के लिए काम नहीं करना है, इट शुड काइंड ऑफ टिकल माई रिब्स, समझ में आना चाहिए कुछ तभी, वरना अदरवाइज आई हैव अ हैंडफुल ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग. सो बस नथिंग एज दैट, थैंक यू. मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ HSS Productions के लिए हैं, और हम छोटे बस्कर गाने के लॉन्च के लिए हैं, जो कबीर ने गाया है और हरमन ने जिसको डायरेक्ट किया है. तो आप प्लीज़ जाइए, ये गाना देखिए, ये गाना सुनिए, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, कीप द लव गोइंग, आपका प्यार है इसीलिए हम यहाँ हैं. दैट्स ऑल, थैंक यू. थैंक यू.